से करने जन कल्याण खोज खोज पूरा पढ़ डाला रामचरित से हमने निकाला मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान और मैं हूँ आपके साथ मोहिनी। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान, इसका बस एक यही उद्देश्य रहता है कि किस तरह से आपके जीवन में जो चल रही है परेशानियां उनको दूर किया जाए, श्री रामचरित मानस की सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से और सिद्ध रत्नों के माध्यम से किस तरह से आपकी जो परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो आपके मार्गदर्शन के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री रामचरण अनुरागी आचार्य श्री राज मिश्रा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री राम। ओम गजाननम भूत गणादिशेवितम कपीथजम्बु फलचारु भक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वर पाद पंकजम। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आचार्य जी से बात करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न आचार्य जी से करते हैं। आचार्य जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगे, आपने हमें पहले कार्यक्रम में बताया कि हस्तरेखा के माध्यम से किस तरह से अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, हम उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे जहन में एक प्रश्न उठा है कि अगर हस्तरेखा पर, किसी भी हस्तरेखा पर कोई भी निशान हो, चाहे वो तिल का हो या कोई भी चोट का निशान हो, तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे जीवन में प्रत्येक चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार हस्तरेखा पर भी कोई निशान हमको प्रभावित करता है। आप जानते हैं किसी के फेस पर यदि कोई छोटा सा निशान होता है तो उसकी पहचान बन जाता है। यदि हम कहीं उसके बारे में चर्चा भी करते हैं तो कहते हैं हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसके फेस पर वो वाला निशान है। वो कहता है मस्से का निशान है ना, कहते हैं हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे फेस की कोई भी निशानी हमारे जीवन की निशानी बन जाती है। उसी प्रकार यदि हम हस्तरेखा के माध्यम से देखें, हमारे हस्तरेखा पर कोई भी निशान हो तो वो भी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है और शायद हमारे जीवन की निशानी बन जाता है। श्री रामचरितमानस में एक वर्णन मिलता है, एक चौपाई मिलती है कि रेख कुलिस ध्वज अंकुर सोहे और नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। यानी जो भी निशान है, जो भी चिन्ह है हमारे जीवन में या हमारे हाथ में, वो हमको विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार यदि हस्तरेखा पर, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हस्तरेखा पर हमारे निशान क्या प्रभाव डालते हैं, मैं उसको बताना चाहूंगा। जैसा कि आज मैं सभी रेखाओं के अलग अलग प्रभाव होते हैं, लेकिन हम जीवन रेखा को लेकर के यदि बात करें और खासकर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहता है तो हम उस पर बात करें तो क्या होता है, ये हमारी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के ऊपर जो हमारे निशान है वो हमारे जीवन को विशेष प्रभाव देते हैं। कैसे निशान? यदि हमारे जीवन रेखा पर द्वीप के चिन्ह बने हों, जो दीपक जैसा चिन्ह होता है, द्वीप का चिन्ह यदि बना हो तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य में समस्याओं का एक विशेष चिन्ह माना जाता है।
काले तिल या सफेद तिल, तिल को लेकर के बहुत सारी बहस होती रहती है कार्यक्रमों में। तो काले तिल या सफेद रंग के तिल यदि हमारे इस पर पाए जाते हैं तो हमारे असाध्य रोग के यानी कठिन बीमारियों के सूचक माने जाते हैं। काले यदि सफेद रंग के तिल है तो अभी आपके स्वास्थ्य में विशेष समस्याएं उत्पन्न करते हैं। यदि महीन महीन रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं, वो भी एक प्रकार का निशान है, पतली पतली रेखाएं जीवन रेखा को काट रही हैं, तो वो जीवन में चिंता की सूचक मानी जाती है। सदैव हमारे मन में चिंता, हमें मानसिक चिंता सदैव बनी रहती है यदि महीन महीन रेखाएं हमारी जीवन रेखा को काट रही हैं तो। यदि इस पर क्रास के चिन्ह बने हुए हैं, क्रास जैसा चिन्ह बना हुआ है हमारे जीवन रेखा पर, तो वो एक प्रकार से मृत्यु का सूचक है। ऐसे चिन्ह वाले जातक को सदैव भगवान शंकर की आराधना नियमित रूप से करना चाहिए, महामृत्युंजय का जप इत्यादि करते रहना चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए ताकि आयु का नुकसान ना हो। आयु का कहां पर यह समस्या होगी वो आप अलग प्रकार से गणना कर सकते हैं। क्रास चिन्ह सदैव मृत्यु का सूचक होता है। अंत में यदि काले रंग का तिल है यानी जीवन रेखा यहां से प्रारंभ हुई है और यहां पर आती है जहां वो जीवन रेखा समाप्त हो रही है, यदि वहां पर काले रंग का तिल है तो निश्चित रूप से वो मृत्यु का सूचक होता है। तो हमारे जो भी जीवन रेखा पर अनेक प्रकार के जो निशान पाए जाते हैं, जो चिन्ह पाए जाते हैं, वो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनको देख करके, जिनको समझ करके हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन सभी समस्याओं का प्रॉपर समाधान कर सकते हैं। तो पहले जानने की आवश्यकता होती है कि निशान किस प्रकार का है, हमारे जीवन में क्या दिक्कतें देने वाला है, उसके उपरांत हम श्री रामचरितमानस का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं दूर होती हैं, जीवन सही रास्ते पर अग्रसर होता है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके पास जन्म तारीख नहीं है और जन्म समय नहीं है, कुंडली नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी हस्तरेखा दिखवा सकते हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका जीवन किस तरह से व्यतीत होगा। साथ ही साथ दर्शकों को बताना चाहूंगी कि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं, कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो आचार्य जी, नमस्कार। हाँ जी, जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? आचार्य जी, मैं 2 साल से मेडिकल एंट्रेंस दे रहा हूँ तो उस बारे में जानकारी लेनी थी, मेरा नंबर नहीं आ रहा। नाम बताइए अपना। भूप सिंह। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 9 अक्टूबर 1997। 9 अक्टूबर 1997। टाइम बताइए प्लीज। 1:27 दोपहर के। दोपहर को 1:27। कहाँ पर जन्म हुआ है? अंबाला, हरियाणा। हरियाणा अंबाला में जन्म हुआ है आपका। हाँ जी। 2 साल से मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी। जी, उसका कारण है ना मिलने का। एक बात बताइए मुझे, चीजों को भूलने की प्रॉब्लम होती है क्या आपको? भूलने की तो नहीं है मेरे को। इम्पोर्टेंट टाइम पर चीजें भूलते नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई चक्कर नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर डेट ऑफ बर्थ क्लियर कर लीजिएगा। उसका मैं एक कारण बता देता हूँ आपको। एजुकेशन का महत्वपूर्ण कारक है ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति हमारी यादाश्त का प्रबल कारक है, और बृहस्पति इस जन्म कुंडली के अंदर नीच का होकर के बैठा है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, जो कि लग्नेश भी है। लग्नेश होने के साथ चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। यदि बृहस्पति हमारी कुंडली में नीच का होता है तो महत्वपूर्ण टाइम पर हम जाकर के अपनी पढ़ाई को भूल जाया करते हैं। उस समय पर जो हमें एग्जाम देना होता है तब हम अपनी यादाश्त हमारी कम हो जाती है और वहां पर क्या लिखना है वो हमें पता नहीं चलता है, जिस कारण से हमें असफलता प्राप्त होती है। यदि ये समस्या है तो श्री रामचरितमानस में चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा या संस्थान से श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच लेकर के गले में धारण कर लीजिएगा। और अगर यह समस्या नहीं है
तो फिर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा करके मुझसे संस्थान में बात कर लीजिएगा। अगर मान लिया जाता है डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मिल पाता है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप संस्थान में मिलकर के हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी इस परिस्थिति को आसानी समझ सकते हैं। जिन दर्शकों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी हस्तरेखा की प्रिंट हमें भेज करके या हस्तरेखा के माध्यम से संस्थान में आकर के पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो भी जीवन में चल रही समस्या है वो दूर हो जाए तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहा है, आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपनी सारी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों बताना चाहूंगी कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तब भी आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आचार्य जी से मिलकर अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिन शुरू हो चुका है, दिन की शुरुआत के साथ आज की राशि का दिन कैसे रहने वाला है ये जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, पहली तीन राशियों का हाल क्या होगा जानना चाहूंगी। प्रथम राशि मेष के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आज जरूर प्रयास करें, सफलता प्राप्त होने वाली है। आज आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है। आज आपके लिए 5 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृष के जातक की अगर हम बात करें, पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा, मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई प्रदेशी की यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए किया गया प्रयास आपका सफल होगा। आज आपके लिए 2 का अंक और नीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा 10 से लेकर 11 बजे सुबह का, दिन आपका उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के जातक की बात करते हैं, स्वास्थ्य में समस्याएं रहने वाली हैं, शत्रु आज ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे, हनुमान जी की आराधना कर लीजिएगा, ये दिक्कतें आपके साथ नहीं होंगी। आज आपके लिए 7 का अंक बेहतर रहेगा, सफेद रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा शाम का 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने पहली तीन राशियों के बारे में बताया कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा, किस तरह से पहली तीन राशियों के जातक और जातिकाएं अपना दिन व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहूंगी अगर आपके यहाँ पे कॉल नहीं लग पा रही है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जा रहा है आप उस पर कॉल करके संस्थान में संपर्क करके अपनी जो भी समस्या है वहां से पूछ सकते हैं। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका आचार्य जी से। हेलो जी, मेरे भाई का जन्मदिन है जी, 18 अक्टूबर 79। क्या नाम है आपके भाई का जी? विश्वास यादव जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 अक्टूबर 79 जी, 1979। टाइम बता दीजिए प्लीज। 9 बजे का है जी दिन का। कहाँ पे जन्म हुआ है जी? नारनौल अटेली मंडी। नारनौल हरियाणा में है ना? हाँ जी जी। क्या जानना चाहते हैं जी? उसने गाड़ियाँ ली थी जी, किस्तों पर निकलवाई थी जी, 2 साल से पहले थी, उसको बहुत घाटा हो गया जी, गाड़ी भी फंस गई, वो भी नहीं निकल रही है, वो क्या उपाय करे क्या नहीं करे, जो आगे कौन सा धंधा करे वो फायदा हो। एक बात बताइए, आप लोगों ने वाहन खरीदने से पहले किसी मार्गदर्शक से संपर्क नहीं किया था, किसी ज्योतिष के जानकार विशेषज्ञ से संपर्क नहीं किया था आपने? जी, कुछ भी नहीं पूछा उसने ना। बोला जी, कहते हैं पूछने से भयम पैदा हो जाता है, अब उसको पूरा घाटा हो गया, उसने माना नहीं उसने। यही तो बात होती है, पूछने से वहम नहीं, ये हमारी एक भ्रांतियां हैं कि हमें ज्योतिषी से अभी तो उसको अकल लग गई जी, अभी लग गई है ना, और होगा ये ऐसा। आप एक बात बताओ, इस बच्चे की जन्म कुंडली का लग्नेश खुद अष्टम में है और उसके साथ इसके द्वितीय भाव में केतु तो हमेशा धन का नुकसान देता ही देता है, ऐसे व्यक्ति को तो पैसे लगाना ही नहीं चाहिए वर्तमान टाइम में। इस टाइम तो ये मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, उसके कारण इसके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आने लगी हैं, घर में भी अब समय कम दे पा रहा है, ये परिस्थितियां भी हो रही हैं इसके साथ। हाँ जी। आप एक काम कीजिएगा, सबसे बेहतर इलाज बता रहा हूं इसके लिए, सबसे बेहतर तरीका है, एक इसको 9 मुखी रुद्राक्ष और एक 8 मुखी रुद्राक्ष वर्तमान में लेकर के दोनों धारण करा दीजिएगा और श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का सबसे अंतिम दोहा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी
तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरार। इस दोहे का नियमित रूप से पाठ करने के लिए इस बच्चे को बोलिएगा, तब जाकर के 3 महीने बाद इसकी परिस्थिति में सुधार होगा। 3 महीने से पहले इसकी परिस्थिति में कोई सुधार कर पाए उसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखते हैं। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है और राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। राहु इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव अचानक समस्या आने का भाव होता है। यहां पर 31 जनवरी 2018 तक इसका समय विशेष खराब है, लेकिन जो उपाय बताया है यदि इसको ये बच्चा प्रयोग करेगा तो भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल सही रास्ते पर जाएगा और जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। अब आगे की 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। कालचक्र की चतुर्थ राशि कर्क के लेकर आज की परिस्थितियों को लेकर के देखा जाए, वैसे तो इस टाइम पर राहु का गोचर कर्क राशि में है, जिस कारण से बहुत सारी अशांति रहती है, बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होती हैं, लेकिन आज वो दिन है जो कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे। व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर रहेगा, नीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 11 से लेकर 12 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। हम राशि सिंह की अगर बात करें, आज की परिस्थितियां सावधान रहने वाली हैं। धन का व्यय बहुत ज्यादा होगा, मानसिक अशांति रहेगी, कुछ बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होने वाली हैं। ये सब दूर हो सकती है सिर्फ एक छोटे से उपाय से, माता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर रहेगा, काला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा 11 से लेकर 12:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कन्या के जातक की अगर हम बात करते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं जरूर लगाएं, लाभ की प्राप्ति होने वाली है। किसी के साथ कोई व्यवसाय करना चाहते हैं जरूर प्रयास करें, सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आज आपके लिए 7 का अंक और सफेद रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 9 से लेकर 9:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। तो दर्शकों, आचार्य जी ने अगली 3 राशियों के बारे में बताया कि किस राशि से आज आपका दिन व्यतीत होगा। और साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहूंगे, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, और अगर आप श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं जो कि सिद्ध चौपाइयों से सिद्ध किया गया है, तो बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं, धारण कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस राशि से आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाएगी। श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच, सिद्ध रत्न और रुद्राक्ष मंगवाने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जा रहा है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, कॉलर बहुत देर से जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जो भी आपकी समस्या है आचार्य जी के सामने रखिए। हेलो। आचार्य जी नमस्कार। हाँ जी, जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? आचार्य जी, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी बिल्कुल, आपकी आवाज कम आ रही है। आचार्य जी, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी नरेंद्र जी, बताइए क्या बात है। आचार्य जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और हमारी पूरी फैमिली बेसब्री से इंतजार करती है आपके इस प्रोग्राम का, और सुबह के टाइम सब लोग बैठकर देखते हैं। जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगता है आपका। जी बहुत धन्यवाद, बताइए। आचार्य जी, अभी पिछले साल मैं आपसे जयपुर में मिला था, तो आपने मेरे को रामचरित सिद्ध मानस कवच दिया था। जी बिल्कुल। और मुझे उसे धारण करने पे मतलब घर में खुशहाली आई है और बरकत हुई है और नौकरी में कोई इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उसे बहुत ही फायदा हुआ है। चलिए बहुत धन्यवाद है, कुछ और जानना चाहते हैं आप? हाँ आचार्य जी, लेकिन जो फैमिली में जो है थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता रहती है, कभी बिटिया परेशान हो जाती है, कभी मम्मी परेशान हो जाती है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर के घर में समस्याएं रहती हैं। घर का मुख किस तरफ है आपके? मुख पूर्व की तरफ है सर जी। पूर्व की तरफ है। जब घर में एंटर करते हैं तो बाएं साइड में क्या बना हुआ है एंट्री करते हुए? बाथरूम बना हुआ है सर जी। हाँ, वही कारण है आपके घर में हमेशा स्वास्थ्य की दिक्कतों का। आपके घर की जो एंट्री है वो पूर्व की तरफ से है, यानी बाएं साइड में आपके घर के बाथरूम बना हुआ है जो कि अग्नि कोण में बना हुआ है। जब भी घर के वास्तु की परिस्थितियां खराब होती हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया, उससे आपको बहुत लाभ हुआ था, घर में खुशी का माहौल उत्पन्न हुआ था। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच भगवान राम का एक शुभ आशीर्वाद है, जिसके धारण करने से हमारे सभी ग्रह अनुकूल
होते हैं, हमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब भी घर के वास्तु इत्यादि की समस्याएं होती हैं तो जीवन में जरूर बनते हुए कार्यों में अड़चने और दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। आपके घर में वास्तु दोष है जिस कारण से आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो पाए तो आप एक बार घर का पूरा नक्शा लेकर के संस्थान में आकर के प्रॉपर मुलाकात कर लें। मैं एक बार घर के पूरे नक्शे को देख करके जो उपाय आपको सजेस्ट कर पाऊंगा वो निश्चित रूप से आपके लाभप्रद होगा। कई बार परिस्थितियां होती हैं कि टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं, यहां पर ना तो पूरी तरह आप अपनी समस्या को रख पाते हैं और जो हमें भी बताना होता है तो कई ऐसी गूढ़ बातें होती हैं समय अभाव के कारण और टीवी चैनल के माध्यम से वो चीजें आप तक उजागर नहीं की जा सकती हैं। आप पहले भी मुझसे मिल चुके हैं, आपने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया है, आपको इतना सुंदर लाभ हुआ है। मैं निवेदन करूंगा यदि संभव हो पाए तो एक बार संस्थान में आकर के मुलाकात कर लीजिए, आपकी समस्या के अनुसार जो आपको उपाय सजेस्ट किया जाएगा आपके लाभप्रद होगा। शुक्राचार्य जी, बहुत सही कहा कि समय अभाव के कारण लोग आपसे बात नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्या को नहीं रख पाते हैं। तो दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है, कोई परेशानी है जिसको आप कॉल के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिल सकते हैं। अगर आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको लिए भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी आपके शहर में आ रहे हैं, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जा रहा है संस्थान के नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कार्यक्रम के समापन में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच आप मंगवा सकते हैं, जो कि श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों से सिद्ध किया गया है, वो भी सिर्फ आपके और आपके लिए। तो बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं, धारण कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दर्शकों, अब वक्त है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। जानते हैं आगे की तीन राशियों का क्या हाल है। आचार्य जी, आगे की तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी कि आगे की तीन राशियों की जातक और जातिकाएं अपना दिन किस तरह से व्यतीत करें। सप्तम राशि तुला के लिए आज की परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। आज चंद्र आपके अनुकूल गोचर कर रहा है, मन में प्रसन्नता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ है तो उसके लिए आज जरूर प्रयास करें, अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। पिता का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा। पिता से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या पिता से अनबन है उसको दूर करना चाहते हैं आज जरूर प्रयास करें। आज आपके लिए एक का अंक बेहतर है, लाल रंग बेहतर है। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा 11 से लेकर 12 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक के जातक, सावधान रहिए। आज बनते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न होने वाला है, मन में अशांति उत्पन्न होगी। वाहन बिल्कुल आज सावधानी से चलाएं, वहां दिक्कतों के योग हैं लेकिन ये सब दूर हो सकता है। ऐसा नहीं कि समस्या है तो उसका समाधान नहीं है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, दिन आपका बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। 7 का अंक बेहतर रहेगा, पीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा 8:30 से 9:30 बजे सुबह का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि धनु के जातक, बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा। अगर संतान की शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, आज उसके लिए प्रयास कीजिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 4 का अंक बेहतर रहेगा, सफेद रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय होगा 11:30 से 12:30 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने काल चक्र की 9 राशियों के बारे में बताया है और बताया कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा। आचार्य जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि आपने हमें पहले भी बताया कि हस्तरेखा पे अगर कोई निशान होता है तो उसमें स्वास्थ्य की समस्याएं आती है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि हमने जैसे हम सुनते रहते हैं दर्शकों के माध्यम से, हमारे कॉलर के माध्यम से, ये किस तरह से श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि श्री रामचरितमानस सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से सिद्ध किया है आपने। तो यहाँ पे मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि अगर हस्तरेखा पे कोई निशान है या कोई तिल है, तो अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या हुई या कोई परेशानी हुई जो दूर नहीं हो पा रही है, तो क्या श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसा कि कार्यक्रम के हमने पहले कार्यक्रम में बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि राम कृपा नाशहि सब रोगा और जो यही भांति बनहि संजोगा। राम जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या हो, हमारे जीवन में कोई समस्या हो, तो निश्चित रूप से वो समस्याएं हमारी दूर होती हैं और हम जीवन अपना सुख समृद्धि पूर्वक तरीके से व्यतीत कर पाते हैं। तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करने से निश्चित रूप से हमारे जीवन की समस्त दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अच्छा,
अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि कोई भी, जैसा एक चीज मैंने कार्यक्रम में बताया था लेकिन शायद एक चीज मैंने नहीं बताया, एक जो जीवन की आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति को पहचानना इस जीवन की सबसे बड़ी दिक्कत है। हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते, वो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, उसका जीवन किस प्रकार का है, तो ना पहचानने कारण अधिकतम अपने जीवन में धोखा खा जाते हैं। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करने से हमें व्यक्ति को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिससे हम किसी व्यक्ति से जल्दी से धोखा नहीं खा सकते हैं। एक चीज होती है, किसी की हस्तरेखा में यदि जीवन रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह बना हो, जीवन रेखा पर त्रिकोण का निशान बना हो, तो जातक आडंबरी होता है, मिथ्यावादी होता है, यानी झूठ बोलने वाला होता है और आडंबर करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति होता क्या है कि आपको दिखाएगा बहुत कुछ, उसके अंदर खोखला होगा बिल्कुल, उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। और भोला भाला इंसान निश्चित रूप से ऐसे लोगों के आडंबर में फंस भी जाता है। किसी के साथ किसी ने बिजनेस के बहुत बड़े बड़े ऑफर दिए, आपने उसको सुना और उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसके खोखलेपन के कारण आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जिसके बाद आपका नुकसान हुआ। ये चीजें जब होती हैं, जब किसी के हस्तरेखा में त्रिकोण का निशान हो, जीवन रेखा पर खासकर त्रिकोण का निशान हो, तो ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ उत्पन्न होती है। जब हम श्रीरामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीरामचरितमानस में एक चौपाई कहा है कि धरी न काहु धीर, सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि कालम। इस कलिकाल के अंदर जिस पर भगवान राम का आशीर्वाद हो जाए, वो निश्चित रूप से किसी के बहकावे में या किसी की छलावे में नहीं आ सकता है। तो मेरी, अगर मेरी राय मानी जाए, ये मेरा पर्सनल राय है, कि भगवान राम के आशीर्वाद को धारण करने से हम शरीर के समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं, समस्त दुखों को दूर कर सकते हैं, और जीवन में किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो उस ग्रह के प्रभाव को दूर कर सकते हैं और एक सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच कार्य करता है, किस तरह से आपको लाभ हो सकता है। तो अगर आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप संस्थान के नंबर पर संपर्क करके इसका बुक कर सकते हैं और उसको जल्द से जल्द मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास जन्म तारीख, जन्म समय नहीं है, और अगर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हस्तरेखा के माध्यम से भी आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। हस्तरेखा को दिखवाने के लिए भी आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल करके आचार्य जी से मिलकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब वक्त है आखिरी तीन राशियों के बारे में जानने का, चलिए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, आखिरी तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। दशमस राशि मकर के लिए, वैसे तो आजकल केतु का गोचर है, मन में अशांति रहती है, मन परेशान रहता है, लेकिन आज का दिन अच्छा है। अगर पति पत्नी के आपसी संबंध खराब है, उसको बेहतर करना चाहते हैं, आज जरूर प्रयास करें, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है, मन में प्रसन्नता रहेगी। आज यदि नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लाल रंग, 8 का अंक आपके लिए बेहतर होगा। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा 12:30 से लेकर 2 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कुंभ के जातक धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है, लेकिन सावधानी के साथ व्यतीत करेंगे तब। आज कुछ विरोधी व्यक्ति जो आपके साथ ही कार्य करते हैं, आपकी कमी को तलाश करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखें, अपने तक सीमित रखें और कार्य करें। आज आपका दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा, सिर पिता को प्रणाम करके दिन की शुरुआत कर रही है। आज आपके लिए 5 का अंक और पीला रंग शुभ रहेगा, शुभ समय होगा 9 से लेकर 11:30 बजे तक का दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन के जातक का भाग्य पूरी तरह आपके साथ है, धार्मिक यात्रा का योग होगा, किसी मांगलिक कार्यक्रम में आज जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, नया घर प्राप्त करना चाहते हैं, किया गया प्रयास आपका सफल होगा। आज आपके लिए 1 का अंक बेहतर है, लाल रंग बेहतर है, शुभ समय आपके लिए रहेगा शाम का 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, आचार्य जी ने कालचक्र की 12 राशियों के बारे में बताया कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा। मैं आशा करती हूँ जो भी आचार्य जी ने चौपाइयां बताई हैं, अचूक उपाय बताए हैं, उनका आप पालन करिए, निश्चित ही आपका दिन आज अच्छे से व्यतीत होगा। अब वक्त हो चला है आज का विशेष उपाय का हल जानने का। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय क्या होगा? उपाय बहुत ही सुंदर है, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 59। सुनत बिनीत बचन अति
कह कृपाल मुस्काय और जही विधि उतर ही कपि कटुक तात सो कहा उपाय। इसकी श्रवण मात्र से आपका दिन बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा और यदि आप इस दोहे का 5 बार पाठ कर लेते हैं तो आपकी बुद्धि जागृत हो जाएगी, आपको जीवन में अपना मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। तो दर्शकों, आचार्य जी ने बताया कि आज का विशेष उपाय क्या है, आप इसका पालन करिए, निश्चित ही आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाएं तो बिल्कुल आप मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आचार्य जी से जल्द मिलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए, हमारे दर्शकों का इतना अच्छा मार्गदर्शन के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।